जब पहली बार 2G आया दोस्तों, 2G इंटरनेट कनेक्शन आया तो लोगों ने फ़ोन पे पता चला कि इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ सालों बाद 3G आया दोस्तों, जिससे लोगों ने वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट किया। लेकिन उसके कुछ सालों बाद 4G आया दोस्तों, जहां एयरटेल, वोडाफोन, जियो जैसी कंपनीज ने तहलका मचा दिया और इतनी सुपर फास्ट स्पीड के अंदर इंटरनेट दिया कि लोगों को वीडियोस और मूवीज़ फ़ोन पे इंटरनेट के थ्रू देखने लगे। लोग इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, हर चीज़ में इंटरनेट का यूज़ होने लगा। लेकिन इस साल मई से एक नया इतिहास लिखने जा रहा है इसरो। यस दोस्तों, इसरो ऐसा काम करने जा रहा है जिससे फिर से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा फहराएगा दोस्तों। तो अब मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो नील चैनल को और प्लीज घंटी का बटन जरूर दबाइए हमारे आने वाले नए टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। इस साल मई के महीने से भारत में संचार की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है दोस्तों, और ये जो पूरा चेंजेस होगा दोस्तों, उसके बाद आप 1 सेकंड में 1 GB की 3-3 मूवीज डाउनलोड कर सकेंगे दोस्तों। 1 ही सेकंड में 3 GB की पिक्चर डाउनलोड कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है हिंदुस्तान के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और इसके साथ साथ आपको केबल, डिस्क के और इंटरनेट के जितने भी तार होते हैं उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ऑलमोस्ट केबल लेस बन जाएगा इंडिया। और ये सब होने वाला है दोस्तों इसरो के जी सेट 11 के लॉन्चिंग से दोस्तों। और इस सैटेलाइट को फ्रांस की स्पेस एजेंसी एरियल लॉन्च करने वाली है, और इस सैटेलाइट का वजन 5,700 किलोग्राम है। ये बहुत ही ज़्यादा बल्कि सैटेलाइट होगा आज तक का दोस्तों। इसका पूरा विकास इसरो के अहमदाबाद लोकेटेड स्पेस एग्रीगेशन सेंटर में किया गया दोस्तों। ये हिंदुस्तान का, हमारे भारत का अब तक का सबसे वजनदार, सबसे हेवी सैटेलाइट होगा। इतने हेवी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए क्षमता अभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, इसलिए उन्होंने एरियल से संपर्क किया, उनसे टाई अप किया है कि वहाँ से इस सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा। इसकी कामयाब लॉन्चिंग के बाद भारत का खुद का सैटेलाइट बेस इंटरनेट भी हो जाएगा दोस्तों, और इससे हमारी इंटरनेट स्पीड सुपर फास्ट हो जाएगी दोस्तों। सुपर फास्ट का मतलब सुपर फास्ट दोस्तों, इससे जो स्पीड होगी वो होगी 14 GB/s। यस दोस्तों, 14 GB/s की स्पीड होगी हमारे हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों इंटरनेट की, जो तहलका मचा देगी। फिलहाल अभी की बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जिस हिसाब से इंटरनेट स्पीड होती है वो कुछ MBs में आती थी, 40-50 MB मैक्सिमम स्पीड दिखाई जाती है, जो एवरेज स्पीड आती है। लेकिन इसके बाद जो डेटा स्पीड हो जाएगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी और थोड़ा सहूलियत हो जाएगी लोगों को इंटरनेट यूज़ करने की। TV या इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके सिग्नल्स को एक डोंगल की मदद से हासिल किया जाएगा। जी सेट 11 के प्रोग्राम को 2009 में सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई थी दोस्तों। बाय द वे, ये इसरो की सैटेलाइट बेस इंटरनेट बेस सीरीज का एक हिस्सा है, और इसका सीधा सीधा मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेट की स्पीड को सुपर फास्ट किया जाए। और इसके तहत अंतरिक्ष में स्पेस के अंदर 3 सैटेलाइट ऐसे छोड़े जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट सैटेलाइट जो था जी सेट 19, लास्ट ईयर जून के अंदर ऑलरेडी छोड़ चुके हैं इसरो वाले, और जी सेट 11 को जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी है दोस्तों। और उसके बाद जी सेट 20 को साल के एंड तक भेजने की पूरी तैयारी कर ली है इसरो ने दोस्तों। ये तीनों ही मल्टीपल स्पॉट बीम टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले माय फ्रेंड्स। इस क्लब में हमें बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलने वाली, सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है, और इसके बाद इंटरनेट सर्विस बहुत सस्ती हो जाएगी। बिना डिस आप TV देख सकेंगे, इसके बाद सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी दोस्तों, और पूरे इंडिया तक इसकी रीच हो जाएगी, और इससे स्मार्टफोन की जो दुनिया है वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी दोस्तों। ये एक स्मार्ट सिटी के लिए ज़रूरी ट्रांसमिशन जितनी स्पीड है दोस्तों, और इससे साइबर सुरक्षा जो है वो भी बहुत 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 मजबूत हो जाएगी। हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी बहुत मजबूती मिलने वाली है इतनी फास्ट सुपर फास्ट स्पीड से। तो ये थी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों इसरो की तरफ से कि इसरो अपना जी सेट 11 लॉन्च करने वाला है, और इसके बाद हिंदुस्तान को मिलने वाली है सुपर फास्ट स्पीड दोस्तों। अभी तक अब MB में बात करते थे, अब बात करेंगे हम GB में दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, और बता दीजिए हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग माय फ्रेंड्स, बाय बाय।